मुझे लगता है भक्त के लिए सुख और दुख तो शास्त्र में लिखा है महाराज कि विपदो नहीं वह विपदा, संपदो नहीं वह संपदा, विपद विस्मरणात विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे यही सुख है भक्त के लिए। भक्त तो भक्त का संपत्ति क्या है, बोले भगवान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक भक्त के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है उनके आराध्य देव, उनके भगवान, उनके प्रभु। तो भाई भगवान मिले, मन भगवान के स्मरण में लगे तो भजन। माँ जानकी ने हनुमान से कहा, हनुमान जी ने पूछा कि मैया कोई दिक्कत ही तो नहीं, और ये बात श्री राम जी ने हनुमान जी को पूछा कि जानकी को कोई दिक्कत ही तो नहीं, प्रभु और कोई दिक्कत ही नहीं, कभी कभी भजन में मन नहीं लगता, यही दिक्कत ही है, यही दुख है। तो मुझे लगता है कि भगवान के भजन में मन को लगाए रखे यह सुख है, और भगवान की विस्मृति हो जाए भक्त के लिए तो वह दुख है, वह धन की हानि है। इसलिए भक्त के जो संपत्ति है वे भगवान है, हमेशा भगवान के श्री चरणों में मन को लगाए रखनी चाहिए।